केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आई एम एट A1 इंडिया होम्स एंड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड TTCP एंड रेरा अप्रूव्ड वेंचर खुतुब वैली ऑन कोत्तूर रोड विद स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज। एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब। JP दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर खुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर या EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने आज और कल के लिए भारी बारिश की पेशगोही की है। हैदराबाद के कुछ इलाकों में पहले ही बारिश शुरू हो चुकी है। IMD हैदराबाद ने बारिश की पेशगोही के दरमियान येलो अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। ED ने हाल ही में हैदराबाद में 5 मुकामात पर छापे मारे और हीरा गोल्ड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नोहरा शेख और बेनामीदारों के नाम पर 70 करोड़ रुपए की जायदाद बरामद की। छापे के दौरान ED ने नोहरा शेख के अहाते में पाई गई 15 कारें भी जब्त किए। एजेंसी ने मुतहदा अरब इमारत UAE में इनकी जायदाद की तफसील दरियाफ्त किए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अरकान का इजलास पीर के रोज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर वाकई दूसरी मंजिल हज हाउस नामपली में सदर नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें हज कैंप 2024 का जायजा लिया गया। कैंप में आजमीन को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा इसका तफसील से जायजा लिया गया। आइंदा साल नकाज से पाक इंतजाम करने का फैसला किया गया। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज NIMS के सिक्योरिटी अहलकारों ने पीर के रोज एक एहतजाजी रैली में शिरकत की और गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अपनी बाकायदा ड्यूटी का बायकॉट किया। NIMS कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स यूनियन के मेम्बरान ने पीर को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से भी रुजू किया और तनख्वाहों की अदम अदायगी में ताखीर पर थर्ड पार्टी एजेंसी कैपिटल सिक्योरिटी सर्विस के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत पेश की। एक शख्स जो गुज़िश्ता 2 तिहाइयों से नेशनल बैंक को 50 लाख रुपए का धोखा देकर फरार थे, आखिरकार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने पकड़ लिया। अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया। वी चालापति राव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर अपनी मुलाजिमत के दौरान हैदराबाद में चंदूलाल बरादरी ब्रांच ने तकरीबन 50 लाख रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल किया और फरार हो गए थे। पता लगने से बचने के लिए चालापति राव एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और यहां तक के मुतहदा मौके पर शिनाख्त और पेशा भी बदल रहे थे। पीर को GHMC में हफ्तावार प्रजावानी प्रोग्राम के तहत हुक्काम को कुल 118 दरख्वास्तें मौसूल हुई। कमिश्नर अमरपल्ली जिन्होंने हेड ऑफिस में दरख्वास्तें वसूल किए, इन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द मसाइल को हल करने पर तवज्जो दे। फोन इन प्रोग्राम के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के अलावा हेड ऑफिस में 43 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें सब में ज्यादा 23 टाउन प्लानिंग से मुतालिक थी। GHMC के तहत 6 जोन में कुल 75 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इनमें से 66 कोकटपल्ली, 13 हैदराबाद से, 6 सिकंदराबाद से, 5 श्रीलिंगमपल्ली से, 3 चारमीनार जोन और 2 LB नगर जोन से मौसूल हुई। डॉक्टर BR अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के हाउसिंग कीपिंग अमला पीर 5 अगस्त की सुबह ये दावा कर रहे हैं कि इनके सुपरवाइजर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हाउसकीपिंग के अमला, जिनका ताल्लुक ज्यादातर दलित बिरादरी से है, इन्होंने दावा किया कि निगरान इनसे काम करते वक्त नाजेबा जबान इस्तेमाल करते। ये मसला मुख्तलिफ मंजिलों पर सुपरवाइजर की तरफ से अमला को ड्यूटी की अलॉटमेंट में कुछ तब्दीली की वजह से शुरू हुआ। पुलिस हिरासत में एक दलित खातून पर तशद्दुद करने के इल्जाम में पीर 5 अगस्त को शादनगर पुलिस स्टेशन के 5 पुलिस ऑफिसरान को मुअत्तल कर दिया गया। ये कार्रवाई शादनगर पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर की इब्तदाई मुअत्तली के बाद की गई। ABVP के कारकुनों ने आज हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहरा पर एहतजाज किया और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया और जेर अतवा स्कॉलरशिप को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। कौमी शाहरा पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक ब्लॉक रही। एहतजाज के बाद पुलिस ने ABVP के कारकुनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिला में सड़क पर अचानक मगरमच्छ नजर आया, जिससे मुकामी अफराद और राहगीरों में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक कल शब जिला के पुद्दू गरेला टाउन में एक प्राइवेट स्कूल के करीब अचानक ये मगरमच्छ नजर आया। मुकामी अफराद और राहगीरों में इससे सनसनी फैल गई, जिन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की, जिसमें नाकामी का इन्हें सामना करना पड़ा। बाद अजा ये मगरमच्छ तालाब में चले गया। मुकामी अफराद ने इसका वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर लिया, जो वायरल हो गया।
बांग्लादेश में रिजर्वेशन के मसले पर शुरू होने वाले तुलबा के पुरतशुद एहतजाज के बाद मुल्क में होने वाली बड़ी सियासी तब्दीलियों के दौरान मुल्क घेर पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और हर तरफ लूट मार और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के वाकयात सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुल्क की हिंदू अकलियत मुल्क में पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है। मुल्क के कई हिस्सों में अकलियतों पर हमले और इनकी मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे अफवाहों के दरमियान मुल्क के मुसलमानों ने कई मुकामात पर रात भर मंदिरों के सामने पहरा दिया और मंदिरों की हिफाजत की। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीर को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कुलियों से मुलाकात की। इन्होंने कुलियों के मसाइल तफसील से सुने और यकीन दिलाया कि वो इनके मसाइल को आला सतह पर उठाएंगे और इन्हें हल करेंगे। राहुल गांधी की यकीन दिहानी के बाद कुलियों के चेहरे पर उम्मीद की झलक नजर आई। कुलियों ने कांग्रेस लीडर से रोजगार के मुनासिब मौके फराहम करने का भी मुतालबा किया। शेख हसीना की जानिब से वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देने और मुल्क से फरार हो जाने के बाद बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में एक मुश्तइल हुजूम ने शेख हसीना की सरकारी रिहायशगाह पर हल्ला बोल दिया और महल नुमा रिहायशगाह में लूट मार की। मुश्तइल अफराद ने जो हाथ लगा लेकर फरार हुए, यहाँ तक शेख हसीना की साड़ियाँ और बिस्तर भी उठा लिए गए। इस दौरान एहतजाजियों के एक ग्रुप ने वजीर आजम की रिहायशगाह के किचन और डाइनिंग रूम में दाखिल होकर शाही डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुर्गन गजाओं से लुत्फानंदोज हुए। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने एक और होटल की इमारत को आग लगाने की कोशिश की। इससे कबल इतवार को मुजाहिरीन ने इंग्लिश शहर रुद्रहम में हॉलीडे इन एक्सप्रेस की इमारत पर हमला किया, जहां तारकीन वतन को रखा गया है। इसराइल ने गजा की पट्टी में जानबहक होने वाले 89 फिलिस्तीनों की नाश वापस कर दी। हमास के जेरे इंतजाम गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने पीर को ये इत्तला दी। फिलिस्तीन सिक्योरिटी जराए ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि नाशें पहले इसराइल के पास थी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जरिए जुनूबी गजा की पट्टी में क्रीम शालवोम क्रॉसिंग के जरिए वापस भेजी गयी। जराए ने यह भी बताया कि नाशों को सीरियल नंबरों के साथ प्लास्टिक के थैलों में रखा गया था, लेकिन इनकी असलियत, इन्हें कहाँ से ले जाया गया था या इनका कत्ल की जगहों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकर्णी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% लाभम ग्यारंटी तो पाटू नाकु गार्मेंट बिजनेस उंडेदी कानी नाकु तेलीलेदु ना व्यापारंलो रोज रोजुकु नष्टं वच्चेदी शाप किराई बैंक लोनु इवन्नी कष्टालु रोज रोजुकु पेरुगुतू वच्चायि ओकसारि अनुकोकुंडा बाबा रजा खान बंगाली प्रकटन चूसानु ओकसारि वेळ्ळि रावालनुकुन्नानु इंका बाबा रजा खान बंगालीनि कलिसिन तर्वात ना दृष्टिमे मारिपोयिंदि ఇప్పుడు నాకు స్వంతంగా 4 షాపులు ఉన్నాయి 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది కంపెనీ లాస్ అయ్యింది నా భర్త డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారు బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయ్యింది మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలు వచ్చేవి మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్ళం కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు ఉద్యోగం వ్యాపారం ఇంటి పోరు ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు సవతిపోరు ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్ నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి బాబా రజా ఖాన్ దిల్షుక్ నగర్ హైదరాబాద్ మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438 अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।